क्या करूं यार, कोई पार्सल ही नहीं है। मतलब यार अमेजोन वाले भेज ही नहीं रहे यार, निठल्ले बेरोजगार छोड़ रखा है मुझे यार। मतलब बड़बड़ काम कर यार, ये कहां से आया? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब यार अमेजोन वाले इतने एक्टिव हो गए, मैं कहती मेरे पास पार्सल आ गया। चलो जो भी है, हमें क्या, मतलब वीडियो बना, मतलब आपका भी टाइम वेट कर रहे होंगे तो अभी पता चल जाएगा तो क्या होने वाला है। तो यार इसे करते हैं बोलना नहीं चुनने का, मैं बात गया तो ठीक है। ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रखे गए, क्या कुत्ता बनेगा रे। दो लाइट काफी बढ़िया मुझे मिल जाती है, लग भी बढ़िया रही है। और यहाँ से ये भी उतर जाता है, मैं देखता हूँ भाई ये क्या है, खंजर पंजर सब अलग हो जाता है। इसे आप आराम से लगा सकते हैं और ऐसे करके बंद करने के बाद अपना जो भाई ट्रक है इसे भी यहाँ पर देखो इधर से सेट होगा। और भाई इसे आगे को आप प्रेस कर दो, मतलब धक्का दे दो तो सेट हो जाएगा। टॉप करते हैं इसकी टेस्टिंग। यार मैं लेकर आ चुका हूँ इसे अपनी घर की छत पर और भाई यहाँ पर मैंने इसे रख दिया, देखते भाई कितनी तेजी से चलता है। क्योंकि इसकी स्पीड तो मुझे काफी ज्यादा मस्त लग रही है, इसकी बराबर मैं भाग भी नहीं पा रहा। आपको दिख रहा होगा भाई सही से शूट नहीं हो रही है वीडियो, क्योंकि यार काफी तेजी हो जाएगा। डंपर है और यहाँ पर इसे जोड़ दिया है। अब देखते हैं भाई इसे खींच के ले जा पाएगा या फिर नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है। ये देखो यार गाइस क्या हुआ, मतलब जैसे हम पावर लगाते हैं तो साला भाग जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉय है भाई ये है एक RC टेक्सस का ट्रक। गाइस ये काफी ज्यादा पावरफुल है और यार इसके ब्रेक वगैरह देख सकते हैं और स्टंट तो वो काफी केड़े कर ही रहा है, आपको दिख रहा होगा। अभी भाई इसकी आपको स्पीड और दिखाता हूँ, यार ये एक नंबर होने वाला है भाई। थार को भी इन्हें पीछे छोड़ दिया, अभी लाइट देखो यार कितनी केड़ी लग रही है। गाइस गिनो तो सही भाई, तीन इधर तीन इधर छह, तो इसके अंदर लाइट ही लगा रखी। पीछे लुकिंग देखने के बाद तो भाई आपको अलग ही मजा आ जाएगा। करते हैं इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट। भाई ऑफ रोडिंग तो अलग होती है, गारा टेस्ट कर रहे हैं, मतलब भाई इसे पानी में चला के देख रहे हैं। देखो भाई कितना मस्त तरीके से यहाँ पर पानी में चल रहा है। यार इसने थार को ही पीछे छोड़ दिया क्योंकि भाई इतनी गारा में डल के एक RC कार चल रही है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं यार, ऐसा देखो कुछ भी नहीं है यार, ऑफ रोडिंग के मामले में काफी ज्यादा मस्त है। अभी आपको देखो यार इसका यहाँ पर भी पावर का टेस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो पत्थर पे स्लिप हो रही क्योंकि इसके व्हील थोड़े यार ऐसी और चिकने टाइप के, अभी हम इसे मिट्टी में चला के आए थे तो यहाँ पर देखो आराम से चढ़ जाती है। और भाई उतरती भी ऐसी ऐसी नहीं कि भाई डायरेक्ट उतर जाती है, यहाँ पर देखो कितनी स्मूथली चलेगी। आपको भाई स्लोमो में दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखो कैसे स्लिप कर रहा है व्हील जो है इसके, पर देखो यार चढ़ जाएगी, पावरफुल लगा रही है, ऐसा ना हो यार गिर जाए। ये चढ़ी चढ़ी भाई पूरा जोर लगा रही क्योंकि यार पत्थर भी काफी ज्यादा ऊंचा है। देखो भाई चढ़ गई, यहाँ पर जैसे हमने से नेक्स्ट गियर डाला ये भाई पलट गई। लो भाई ये हो गया नुकसान, ये देखो। अब गाइस जो नेक्स्ट टॉय है ये तो आप यार देख ही सकते हो क्या है ये, यार ये एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर। यार मैं भी कैसी कैसी बातें करता हूँ। देखो गाइस यार हवा बहुत ज्यादा तेज है तो इसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है, आप देख सकते हैं, पर काफी ज्यादा मस्त है यार। चलो अब इसकी आपको दिखाता हूँ पहले अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स ओपन करते हैं भाई सीधा, ये देखो गाइस ये इसका जो बॉक्स है मिल जाता है आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाएगा और इसका बाय लिंक मैं आपको भाई डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा वहां से जाकर बाय कर दें। भाई यूज है मैनुअल को फेंक यार, हम अपनी किताब नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ेंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप कितना खतरनाक इसका रिमोट मिल जाता है यार, बिल्कुल रियल वाला फील आने वाला है। आप जब उड़ाओगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है क्योंकि यार ज्यादातर जो रिमोट है वे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के बनते हैं। इसकी भाई बैटरी वगैरह दे रखी है और कुछ एक्स्ट्रा पंखड़ियां दे रखी है इसके अंदर भाई सेट करनी है हमें, और ये चार्जिंग केबल और ये पता नहीं यार क्या क्या ड्रग्स व्रग्स दे रखा है, चलो गलत बात बोल दी मैंने। और गाइस इसके साथ ये भाई ये देखो लुकिंग मुझे बहुत ज्यादा केड़ी लग रही है यार। जो गाइस इसकी बॉडी है ना यार काफी ज्यादा बढ़िया बना रखी है, मतलब कहीं ठुकेगा भी ना तो इतनी जल्दी भाई टूटने का नहीं, भाई डैमेज नहीं होना, कुछ नहीं होना गाइस। ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। गाइस सीरियसली यार काफी हैवी मटेरियल से बनाया गया है यार, आपको तो देखने में पता चल रहा होगा, देखो भाई कितना खतरनाक इतना मटेरियल यूज किया गया है। अब इसे रखते हैं साइड में, अब दिखाता हूँ आपको भाई नेक्स्ट टॉय जो है यार काफी ज्यादा खतरनाक, आपको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि यार ये ऐसा टॉय जिसकी देखते ना इसे देखते भाई सबके ले जाती है हवा, ये ज्ञान देने वाला पर्चा मिल जाता है। इसे रखते हैं साइड में, नहीं यार कुछ और भी दे रखा है छोटा छोटा, पर यार रखते हैं साइड में। इसके बाद उठाते हैं अपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के रिमोट को। रिमोट की क्वालिटी लुकिंग काफी ज्यादा मुझे तो मस्त लग रही है। ये इसके कंट्रोलर मिल जाते हैं भाई काफी बढ़िया, इसके अंदर फीचर टाइप के इन्होंने दे रखे हैं, ये बटन ऊपर भी नीचे भी और बैटरी कंपार्टमेंट। अभी इसे उठाते हैं 2.0, नहीं यार बैटरी तो काफी ज्यादा हैवी मटेरियल है, 3.7 उसकी थी वोल्ट की। अभी नाम जोड़ लेते हैं भाई, तीन तीन पीसों में हमें ये दे रखा है जो हमारा स्नेक है, इसका नाम गाइस बायोनिक स्नेक है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं मिले तो भाई हम तो हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह डाल देंगे।
देखो यार गाइस, आप एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा मुझे पता है। अब बिना कहो कुछ भी नहीं करते हो, पानी के ऊपर मैंने इसको रख दिया, बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर गाइस ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल है, अगर कोई बंदा सामने होगा ना वो भी डर का भाग जाएगा। क्या किया भाई, देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, पूरे से देखो यार पानी में अलग ही फील आ रहा है, ये नीचे से गंदा पानी है भाई, अलग ही दिख रहा है, देखो मैंने ये बहुत ज्यादा रियल स्नेक जैसा ही मेरे को दिखाई दे रहा है। जो हमारी शार्क है, गिरगट है, मगर मजा आपको पता ही है क्या है, ये है क्रोकोडाइल। तो गाइज हमारा इसने यहाँ पर स्लो चल रहा है क्योंकि काफ़ी दूर चला चुका है, मतलब जा चुका है, कंट्रोलर हम पकड़ नहीं पा रहे इसने, तो स्लो चल रहा है। पर हमारा जो स्नेक है वही जीता था क्योंकि यार जो हमारा क्रोकोडाइल वो पीछे से रिवर्स होकर आ गया था मुड़ के, तो इसलिए हमारे क्रोकोडाइल नहीं जीता। तो यार एक छोटी बैटरी मिल जाती है, काफी ज्यादा पावरफुल होती है, और तीन चार इसके साथ इक्विपमेंट मिल जाते हैं, दो पंखड़ी भाई जो इसके ऊपर लगेंगे, और एक चार्जिंग केबल मिल जाती है, और ये भाई छोटी छोटी पंखड़े जो आगे सेट करेंगे, इसे खुद ही सेट करना पड़ेगा, दो तीन व्हील मिल जाते हैं, इसके बाद गाइस एक यूज है मैनुअल मिल जाते हैं, मेरे तो किसी काम का नहीं, आप इसे जरूर पढ़ लेना, और भाई एक मिल जाता है रिमोट, रिमोट की बिल्ड क्वालिटी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है, और भाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का होता है, कंट्रोलर भी काफी बड़ा है, तीन इसके अंदर भाई बैटरी डलने वाली है, आप निकाल लेते हैं अपने एयरप्लेन को, ये देखो भाई पूरा जो है थर्माकोल का ही बना हुआ है, यहाँ पर इन्होंने भाई दो पंखड़े आगे लगा रखे हैं, दो पीछे लगा रखे हैं, इसकी नॉक वगैरह आप देख सकते हो भाई गद्दी से बना रखी है। अब करते हैं इसकी बाहर टेस्टिंग यार, यहाँ पर जैसी जैसे हवा में छोड़ते हैं ना काफी बढ़िया तरीके उड़ता है, क्योंकि हमने इसकी सुबह भी टेस्टिंग करी तो यार मजा नहीं आया क्योंकि हवा चल रही थी, इधर भी इधर जा रहा था, अब जो हवा है बिल्कुल शांत है क्योंकि शाम का समय है, काफी मस्त तरीके से उड़ रहा है, यहाँ पर देखो क्या डाइव मार मार के चल रहा है, हवा में हम काफी दूर तक ले जा सकते हैं क्योंकि यार खोने का नहीं, कंट्रोल काफी ज्यादा मस्त है इसके, ये देखो भाई कितने बड़े तरीके उड़ रहा है, यहाँ पर आगे भाई नीचे गिरने से बचता है, बस कैसे कैसे हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरे नंबर का टॉय ये है भाई एक एयरक्राफ्ट, इसकी भी करते हैं चलो सबसे पहले, और जैसे बहुत बाहर निकालते हैं यार, इसके साथ आपको दिख सकता है कितने सारे सामान मिल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े में मिल जाते हैं यार, इसके दो पंखड़े हैं जो आगे लगा रखे हैं और भाई चार पीछे इंजन टाइप के लगा रखे हैं, भाई जैसे आग निकलती है ना जब स्टार्ट होता है, पर ये चलने वाले नहीं है, ये थर्माकोल के डिजाइन से बना रखा है, पूरा ही भाई थर्माकोल का होने वाला है, ये भी तो भाई इतना हल्का है और फ्लाइंग करेगा, पर भाई साहब इसे देख के उड़ाना पड़ेगा क्योंकि आंधी वगैरह में ना ये भाई टूट भी सकता है, इधर से इधर जा सकता है, ठीक है समझ गया। और इसका भी रिमोट हमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मिल जाता है भाई, जैसा पहला वाला था ना बिल्कुल सेम टू सेम, इसके साथ भी यार तीन चार इक्विपमेंट मिल जाते हैं, बैटरी केबल, चार्जिंग केबल वगैरह वगैरह यही चीज है। और ये वाला जो हमारा एयरक्राफ्ट है इसकी स्पीड मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लग रही है और खतरनाक भी है, देखो भाई कितनी तेजी से पंखड़े घूम रही है, जैसी हवाएं फेंकते हैं तो डुगला डुगला के चल रहा है भाई, इसका बैलेंस मुझे नहीं लगता सही इन्होंने बना के भेजा है, ये देखो भाई कैसे यार यहाँ पर हमारे लगने बच जाता है यार, देखो हवा में हमने इसे ढाल दिया है क्योंकि नीचे उड़ाना है सेफ नहीं है, यहाँ पर आगे क्रैश हो जाता है, पर इसे यार थोड़ा सा डेंट आता है, इसे सीधा कर लेते हैं, देखो भाई मुड़ गया क्योंकि थर्माकोल टाइप के बने होते हैं, इसे करते हैं थोड़ा भाई सीधा, अब फिर से छोड़ते हैं, देखो यहाँ पर यार कितने मस्त तरीके से जाएगा, ऐसे ही जा रहा है भाई डुगलाता हुआ, मतलब बैलेंस इसके यार कुछ दिक्कत है, बढ़िया नहीं है, मतलब इसे वाले को आप बाय मत करना, मैं इसे सजेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद देख सकते हैं भाई कैसे उड़ रहा है अधमरा, देखो देखो ये देखो भाई, पर यहाँ पर आसमान में जब भाई बढ़िया लगता है ऊपर से, पर इसका जो बैलेंस है वो बढ़िया नहीं है, तो भाई वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना यार, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर देना, और जो भी प्रोडक्ट चाहिए भाई बाय लिंक इनके सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सीधा बाय